हमारे चैनल पे। तो अभी हम मतलब पूजा वगैरह कर लिए हैं और कूड़ा वाले भैया भी आ गए हैं, तो सोच रहे पहले सबसे पहले कूड़ा हम डाल दें और कूड़ा डाल देंगे फिर चाय बनाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि झाड़ू अभी क्यों लगा रही हूँ, तो झाड़ू मैंने लगा चुकी हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ मैं झाड़ू क्यों लगा रही हूँ। तो ये जो है रैक सब्जी का, इसको मैंने आज नहला दिया है, मतलब धुल दिया है और इसको मैं रख के आती हूँ। और मैंने आज क्या क्या धुला है वो आपको दिखा देती हूँ। कूड़े वाले भैया बिल बजा चुके हैं और मैंने यहाँ पे तीनों टब जो है धुल दिया है। और पहले कूड़ा डाल दूँ क्योंकि वो बिल बजा चुके हैं और नहीं सोचेंगे कि अभी कूड़ा लेके नहीं आई हैं। और शेयर यहाँ कर दिए थे पढ़ाई वगैरह, तो कुछ आवाज़ जा रही होगी आपको। तो कूड़ा वाले भैया को पहले कूड़ा दे दूँगी, फ्री हो जाऊँगी, लेकिन बहुत तेज़ इससे गर्मी लग रही है। तो कूड़ा उठा ले गए हैं और मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पे फ़ैन चला के आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। सुबह का टाइम है और काम इतना ज़्यादा है और बादल हो रखा है और बहुत ही ज़्यादा की गर्मी है। हमको लगता है जाते जाते गर्मी ना एकदम रुला के तप जाएगी और वही हाल है गर्मी की। अभी मैं जल वल चढ़ा के आई हूँ तो एकदम ऐसे लग रहा है कि बस कुछ ना करूँ, आराम से कोई चाय बना के दे दे तो चाय पी लूँ, लेकिन कौन बना के देगा। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ कि डस्टबिन आ जाए, फिर धुल के उसको हटा दूँ। तो डस्टबिन आ गई, देखिए जैसे मैंने याद किया वैसे ही जल्दी से डस्टबिन आ गई है। तो डस्टबिन आ गई है उसको धुल के हटा देते हैं, तब फिर आप सबसे बात करते हैं, ठीक। सुननी पड़ी होगी क्योंकि अभी जो है हम डस्टबिन वगैरह धुल लिए हैं और अब मैं सीधे किचन में जाऊंगी। ओह माय गॉड, मैंने फ़ैन तो ऑफ ही नहीं किया है, तो पहले तो फ़ैन ऑफ़ कर देती हूँ। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं फिर से आती हूँ। क्योंकि देखिए अगर फ़ैन ऑफ नहीं करूँगी तो वैसा ही फ़ैन चलता रहेगा तो फिर वेस्टेड होगा ना। देखिए वेस्ट करना कोई भी चीज़ नहीं अच्छा लगता, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़ा हो, वेस्ट करना अच्छा भी नहीं लगता और करना भी नहीं चाहिए किसी को। तो मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, बेटे जी से पूछूँगी कि चाय पियेंगे कि नहीं चाय पियेंगे। और फिलहाल मैं पहले तो फ़ैन चलाऊँगी और फ़ैन चलाऊँगी तो आप लोगों को आवाज़ बहुत जाएगी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही है कि जब तक फ़ैन नहीं चलाऊँगी तब तक गर्मी जो है जाएगी नहीं। तो मैंने बना लिया है दाल और चावल और यहाँ पे देख लीजिए मैंने काढ़ा बनाया है, तो इसको साफ़ करना है। जब इसको साफ़ करेंगे तभी हम जाके चाय बनाएंगे।
और वो तो समझ में आ रहा है यार, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, गर्मी को कैसे करूँ। और हस्बैंड सुबह में, मतलब आज शायद छुट्टी है, शायद मुस्लिम भाइयों के जो है कुछ है, अब क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन है छुट्टी। तो फिर तो मैं यहाँ पे ऐसे ही पॉलीथीन लगा देती हूँ, जिससे बहुत ही आराम मिलता है मुझे। या तो पॉलीथीन उठा के दे दो और आराम मिलता है, और नीचे जो है डस्टबिन में गंदा भी नहीं होता है। तो ज्योति भी अभी नहीं आई है, ज्योति भी सामने वाले घर में झाड़ू पोछा कर रही हैं। अब अभी उनको लगता है 15 से 20 मिनट लगेगा उनको, और उनका चाय बनाना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं कितनी जल्दी में आएंगी कितनी देर में आएंगी। मैं आपसे बात भी करूंगी और चाय भी बनाऊंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। बच्चे जो है ना चाय पसंद नहीं करते हैं, अगर चाय पूरी बना दो तो बच्चे बड़े प्रेम से खा लेते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों के लिए नहीं बनाऊंगी। बच्चों के लिए बनाने का मतलब है कि पराठा बनाना, तो बच्चे के लिए अभी नहीं चाय बनाऊंगी। मैंने डाल दिया है चीनी, और ये है चाय पत्ती, चाय पत्ती डाल दूँ, अदरक डाल दूँ, और फिर से दूध ले आके डालना है। ओ माय गॉड, दूध भी ले आना है, अदरक भी ले आना है, और यहाँ पे मैं डालूँगी तुलसी की मंजरी, मतलब पत्ती भी है मंजरी भी है। तो ये जब तक कड़ता रहेगा तब तक हम अदरक और तुलसी दूध वगैरह लेके आ जाती हूँ। ये सभी लोग जानते हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जब भी मैं कैमरा ऑन करूँगी तो जैसे जासूस हूँ उस तरह से देखने लगते हैं। होना नहीं चाहिए ऐसे, किसी को ना ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनको चैन नहीं मिलता है। और ये मैंने ले लिया है दूध, इसमें पड़ी हुई है मोटी सी मलाई, जो कि मुझे इसको निकाल के रखना है और मलाई को मथना है। तो थोड़ी सी आप इधर साइड में आप रहिए, और मैं अदरक को डाल देती हूँ, और उसके बाद अदरक जो है पकता रहेगा, फिर मलाई वगैरह यहाँ से हम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम चाय आप सबको खिलाते हैं, ठीक। तो मैंने डाल दी है अदरक, और अदरक थोड़ी सी कच्ची कच्ची आ रही है ना, तो इसके वजह से टाइम नहीं लगा इसको तोड़ने में। तो अदरक पहुंच गया अपने जगह पे, और आज मैं सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मसालदानी में मसाला डाली, और यहाँ पे देख लीजिए चाय पत्ती है, मैक्रोनी है, मैक्रोनी के डिब्बे में मैंने कुछ रख दिया, मूंगफली है, और इसको मैं निकाल के रख दूँगी बाहर, क्योंकि इससे हम मलाई मथने वाले हैं। ओ माय गॉड, देखिए मेरे साथ क्या क्या होता है, लाइट भी चली गई है। तो यहाँ पे हम मलाई निकाल दिए हैं, और जो फ्रिज में मलाई रखी है उसको भी निकाल लेंगे। कल रात को हम जब दूध इसमें रख रहे थे ना कटोरी में, तो दूध कम था, तो मुझे लग रहा है कि चाय अच्छी नहीं बनने वाली है, तो पहले हम थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर दें। दूध आ चुका है हमारा, सुबह हस्बैंड सुबह 7 बजे तक आ बेटा, क्या बना है? दाल चावल बन गया है, अभी रोटी। यार तुम बड़े कबाड़ प्राणी हो। हम जा रहे हैं चाय पीने। हमको खाना तो 10 बज गए भैया, 10:30 से निकल जाना है, ऊपर मुल्लो तो बाहर जा। अभी 10 नहीं बजा है बच्चा। मम्मी हमको लेट हुआ ना? मैं नहीं, लेट नहीं होगा बेटा, 10:15 से निकलना है। हाँ तो बन जाएगा,
मैं चाय रचे थोड़ा सा पी लूं। खाना भी तुम्हारे बनने। अरे यार मुझे भूख लगी, मुझे भी तो, मेरी भी तो कुछ रोटी से उसका भूखा फिरो। नहीं तो मैं, मेरी भी तो कुछ लाइफ है, सुबह समय तो आउट टावल नहीं है, वो रेड टावल नहीं है, टावल नहीं है, देखो दरवाजे के पास पीछे टांग रखो, दिख ही नहीं रहा है, उसमें साफ करते रहे हो हाथ उसको, एक तो वैसे भी उसका कलर पीला है, देख रहे हैं इस तरह से बेवकूफी, बताओ ऐसा कौन करता है। बच्चे ना परेशान कर देते हैं, कभी हमको लगता है बड़े ही नहीं होंगे, बस ऐसे छोटी सी रहेंगे, बस इनको टाइम से चाहिए, लेकिन अब अभी टाइम है तो इतनी जल्दी क्या है। तो इसमें नहीं बजा है ना, इस वाले घड़ी से देंगे। हाँ तो उसको सही करो, क्यों नहीं सही करते हो, कहाँ गए थे। आप लोग बिस्किट खाएंगे, पूजा करने के बाद बहुत जोरों की भूख लगती है। ये तो पानी बैठ के पीना चाहिए ना। चाय पियोगे? चाय पी क्या? ज्यादा देर नहीं, इसको नहीं पकाएंगे। तो आप लोग भी चाय पी लो, मैं आप सबको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, एक में आटा रखा है, एक पोटली में, एक में आटा रखा है, एक में चावल है और एक में दाल है। तो ये मैं तीनों खाली कर दी हूँ और तीनों यहाँ पे धुल के रखे हुए हैं। तो आटा पिस के आ चुका है, चावल मुझे साफ करना है, दाल मुझे छत पे डालनी है, लेकिन आज अच्छे से धूप नहीं हुआ है इसलिए दाल नहीं डालूंगी, और सूखा रहेगा, जब ही डालूंगी तभी सूखा। ओ माय गॉड, मैं आई तो सोची चाय पी लूंगी। तो यहाँ का जो है भैया जी बड़ा अच्छा किए हैं कि इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं किए हैं फ़ैन का, जो लाइट रहेगी तभी ये फ़ैन चलेगा। इतना गुस्सा आता है इनके ऊपर कि पूछो नहीं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे चाय रखी हूँ, ये देखिए, मैं सोची थी भगवान जी के पास आराम से बैठ के यहाँ पे चाय पीऊँगी, ये देखिए भगवान जी, और लाइट चली गई है, तो भगवान जी के पास भी अंधेरा है, तो सारे बर्तन मैंने यहाँ भगवान जी के पास रखी हूँ। और सुबह सुबह सबसे पहले मैंने यहाँ पे रैक धुला और ये बर्तन धुला, और कूड़ा वाले भैया अभी वापस रिटर्न जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय।